हेलो एवरीवन, लेक्चर नंबर थर्ड में आ चुके हैं हम। चैप्टर नंबर टू सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन के। रशियन रिवॉल्यूशन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, उसकी इकनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट ये था कि जो सोशलिज्म यूरोप रसिया में है वो पहुँचा कैसे था। तो हमने ये देखा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, ठीक है ना, जो वहाँ के जार थे निकोलस द्वितीय, उन्होंने उसको क्या कर दिया था, इलीगल घोषित कर दिया था कि गैर कानूनी है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टियाँ बना नहीं सकते हैं। ऐसा था 1914 तक। फिर भी चुपके चुपके एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी। ये पार्टी बनी थी 1898 में, 1898 में बनी। इस बात के लिए थी, इनका ये था कि जितने भी फार्मर्स हैं, पीजेंट्स हैं, उनको राइट्स देने वाले हैं, जो ज़मीन पड़ी हुई है चर्च के पास या नोबल सोसाइटी के पास, उनसे लेकर के किसानों को दिलवानी है। और जो सोशलिस्ट लोग थे ये मानते थे कि चूंकि जितने भी पीजेंट्स हैं उनके अंदर में यूनियन ज़्यादा है, वो ज़्यादा जो है एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, इसीलिए जब भी रिवॉल्यूशन होगा तो मेन सोर्स होंगे रिवॉल्यूशन के लिए। बट जो लेनिन नाम के व्यक्ति थे इस बात से एग्री नहीं किए, और उन्होंने ऐसा माना कि पीजेंट्स तो कोई सोशल ग्रुप है ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि जो पीजेंट्स कम्युनिटी है उसमें भी बहुत बड़े बड़े अमीर हैं, कोई गरीब है, कोई लैंडलेस है, तो उनमें भी डिस्पैरिटी और डाइवर्सिटी जो है एग्जिस्ट करती है, उनमें भी इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं, इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा। तो इसी विचारधारा को लेकर के जो लेनिन ब्लामिद लेनिन थे, इनकी जो ये पार्टी थी ना, कौन सी पार्टी, रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, ये दो भागों में बट गई, दो भागों में बट गई। फर्स्ट को बोलते हैं बोल्सेविक्स, इनको बोलते हैं बोल्सेविक्स, और दूसरे गुट का नाम पड़ा था क्या बोलते हैं, मोन्सेविक। क्या क्या पड़ा इनका, मेंसेविक्स पड़ा, मेंसेविक्स और बोल्सेविक। तो बोल्सेविक जो हेड बने वो लेनिन पड़े। दो तीन और रीजन थे कि पार्टी में विघटन हो गया। जो मेंसेविक के लोग थे ये चाहते थे कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, इसमें किसी भी व्यक्ति को सदस्यता दे दी जाए, मेंबरशिप दे दी जाए। और बोल्सेविक गुट में जो लेनिन इनका नेतृत्व कर रहे थे, वो ये चाहते थे कि नहीं, चूँकि हमारी पार्टी अभी इलीगल है, और अगर हम ज़्यादा लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे तो राजा को चीड़ होगी और वो हमको बैन कर देगा, और सारी ढेर सारी रेस्ट्रिक्शंस हमें झेलनी पड़ती पड़ सकती है। यानी मेंबरशिप हमको सीमित लोगों को तक ही देना है, और हमारा जो मेन मोटो है उसी पर फोकस करना है। लेकिन दोनों गुटों में बात बनी नहीं, और ये जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी, आपको याद होगा 1907 में उसमें डिवीज़न हो गया था, कुछ जो थे एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ जो है ओल्ड मिस्ट थे, तो दोनों लोगों में दो ग्रुप बट गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस बट गई थी। वैसे ये जो पार्टी थी रसिया वाली, बोल्सेविक्स और मेंसेविक्स में बट गई थी। एक चीज़ और, ये जो रशियन एम्पायर में जो पॉपुलेशन थी ना, वो पॉपुलेशन जो थी वो एक मानती थी, जैसे ग्रीस में एक चर्च है तो उस चर्च को बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले लोग जो है रसिया में मौजूद थे। लेकिन जो सेंट्रल एशियन जो कंट्री थे वहाँ पे मुस्लिम धर्म को भी मानने वाले लोग थे, वहाँ बौद्ध धर्म को भी मानने वाले लोग थे, तो ये विभिन्न प्रकार के धर्म उस सोसाइटी में मौजूद थे। ये मैप हमने डिस्कस कर लिया था कि रशियन एम्पायर कहाँ है, कैसे है। अब बात आती है 1905 में आखिर रिवोल्यूशन हुआ क्यों। तो मैंने बताया आपको कि वो वहाँ पर ऑटोक्रेसी थी, रसिया एक ऑटोक्रेसी था, जार जो है किसी से भी इनको जो लेना देना नहीं था, किसी से भी एडवाइज़ नहीं करते थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि जो लिबरल्स थे, जो ऑटियोलॉजी लिबरल्स वाले थे, वो चाहते थे ना कि सोसाइटी में चेंजेज होने चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, आप एक ऑटोक्रेट नहीं होइए, आप क्या करिए कि कैबिनेट बनवाइए, और कैबिनेट में क्या करिए कि कुछ लोग हों, 10 लोग 15 लोग, उनका आपको मिनिस्टर का दर्जा दे दीजिए, वो मिनिस्टर बोलिए, उनसे आप एडवाइस लीजिए, उसके साथ पे काम करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप राजगद्दी छोड़ दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने डिमांड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करना, और रिवोल्यूशन स्टार्ट हो गया 1905 में। और 1905 में जब स्टार्ट हुआ तो एक दिन था संडे का, इसे संडे को ब्लडी संडे क्यों बोलते हैं। हुआ क्या, जब ये रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ उसके एक साल पहले 1904 में क्या हुआ कि जो भी एसेंशियल्स गुड होते हैं, यानी खाने पीने वाली चीज़ें हो गया, ब्रेड्स हो गया, मेडिसिंस हो गई, इनकी जो प्राइजेज है बहुत हाई हो रही थी। वो इसलिए हो रही थी क्योंकि इलाके में कुछ सूखा पड़ गया था, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ी रही थी, और जो भी इंडस्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे थे उनकी जो वेज जो सैलरी थी 20% घट गई थी। इसी टाइम पे क्या हुआ कि एक कंपनी थी जिसका नाम था प्यूती लोव
आयरन वर्क्स, यहाँ पे क्या होता था कि ना लोहे के सामान बनाए जाते थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मैंने बताया कि वेस्टर्न पोर्शन में भी हो रहा था रसिया के, तो वहाँ पे रेलवे लाइंस बिछ रही थी, वहाँ पे स्टील हो गया, आयरन हो गया, उसके ढेर सारे काम हो रहे थे, मशीनें बन रही थी, ब्रिज बन रहे थे, तो इंडस्ट्री वहाँ पे सेटअप हो रही थी धीरे धीरे। तो ये जो कंपनी थी जिसका नाम था प्यूती लो आयरन वर्क, इसमें के जो चार फोर मेंबर्स थे इसमें, ठीक है ना, तो इस पोल्टी आयरन कंपनी ने क्या किया, अपने फोर मेंबर्स को क्या कर दिया था, निकाल दिया था। ये फोर फोर जो मेंबर्स थे, ये थे वहाँ के जो बोल्शेविक पार्टी थी उसी के मेंबर थे। अब जब उनको ये पता चला कि हमारे मेंबर्स को निकाल दिया, और ये मेंबर की गलती क्या थी कि इन्होंने अपने जो मालिक थे फैक्ट्री के, उनसे डिमांड ये कर दिया था कि सर हमारे जो फैक्ट्री में वर्किंग आवर्स जो आप 15 घंटे काम करवाते हैं हमसे, उसको कम करके 8 घंटे करिए। सर जो आप हमें क्वार्टर दिए हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है, वहाँ साफ़ करवाई कर दीजिए। सर जो महिलाओं को जो वेतन दे रहे हैं बहुत ज़्यादा कम है, 1/3 पुरुषों के मुकाबले, उनका वेतन रेज करिए। ऐसी सारी डिमांड थी, उसी से गुस्सा होकर के उनको चार लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। अब क्या हुआ कि बोल्शेविक पार्टी के लोगों ने इसके खिलाफ़ बगावत किया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब क्या हुआ कि 1,000 देख रहे हैं ना, 110,000 यानी 1,10,000, 1,010,000 लोग जो है सेंट पीटर्सबर्ग में इकट्ठा हो गए। सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ है ये देखिए, ये जो था सेंट पीटर्सबर्ग में लोग इकट्ठा हो गए, इतने सारे 1,10,000 लोग यहाँ इकट्ठा हो गए स्ट्राइक करने के लिए, और डिमांड क्या करने लगे, वर्किंग आवर्स और वर्किंग आवर्स घटाइए। यानी 15 घंटे कौन काम करता है भाई, उसको कम करिए, 8 घंटे करिए, 7 घंटे करिए, सैलरी बढ़ाइए हमारी। अब इसको जो है ये जो यहाँ पे स्ट्राइक हो रहा था, यानी हड़ताल हुई लोगों का, ये 1,10,000 लोगों को लीड कौन कर रहा था, तो वो लीड कर रहे थे एक व्यक्ति थे, इनका नाम था फादर गैपोन, फादर गैपोन, तो ये फादर गैपोन इसको लीड कर रहे थे। अब ये इतने लोगों को इकट्ठा करके पता है कहाँ जा रहे थे, जो जार जहाँ रहते हैं जिस पैलेस में, उसको बोलते हैं जिस महल में रहते थे, उसका नाम था विंटर पैलेस, विंटर पैलेस यानी सर्दियों का महल बोल सकते हैं, तो उसको घेराबंदी करने के लिए वो लोग गए। तो राजा को इस बात को पता चला, तो उन्होंने क्या किया, पुलिस और जो कोसैक्स होते हैं वहाँ की जो आर्मी होती है उसको कोसैक्स बोलते हैं, कोसैक्स और पुलिसों से इस पर हमला करवा दिया। अब हमला करवाने की गोलीबारी हुई, 100 जो वर्कर मार दिए गए, तो 100 लोग मारे तो खून ही तो बहेगा। ये हुआ था संडे के दिन, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लडी संडे। अब लोगों का रिएक्शन जो है और ज़्यादा बढ़ा, जैसे इंडिया में आपको पता है ना गांधी जी, जब क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, या नॉन डिसोबीडिएंट मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, 1930, 1942 में जो तीन रिवोल्यूशन किए गांधी जी ने, तो उन्होंने क्या मांग किया था कि आप जो है अगर वकील हैं अपनी नौकरी छोड़िए, डॉक्टर हैं नौकरी छोड़िए, स्टूडेंट हैं स्कूल मत जाइए, यानी गवर्नमेंट का कोई भी कोऑपरेशन करना नहीं है। सेम तरीके से फादर गैपोन ने क्या कहा कि अगर गवर्नमेंट को आपको ढील ढाल करनी है तो जितने स्टूडेंट्स हैं स्कूल छोड़ दें, वकील डॉक्टर वगैरह सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, सब ने यही मांग रखा कि भाई बहुत हुआ, आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठाओ, हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन वो कंट्री कैसे चलेगी, राजा को कोई मनमानी नहीं करनी है, वो बना बैठा है ऐसे। अब क्या हुआ कि बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, यूनिवर्सिटी छोड़ दिया, डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, लॉयर वहाँ पे अपने कोर्ट नहीं जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ढेर सारी चीज़ें हुई। अब क्या हुआ कि जो राजा थे यानी जार थे वहाँ के, उनके ऊपर ये प्रेशर बढ़ा। अब प्रेशर करने के बाद में इन्होंने कह दिया ठीक है हम क्या करेंगे, पार्लियामेंट बनाएंगे, और वहाँ की पार्लियामेंट को रशियन लैंग्वेज में बोलते हैं ड्यूमा, क्या बोलते हैं ड्यूमा, तो उन्होंने ड्यूमा तो बनवा दिया। अब ये बनने का मतलब ये था कि राजा रहेंगे हेड, और जो भी डिसीजन इनको लेना होगा इनसे एक बार तो कंसल्ट कम से कम करें, भाई ये काम करने जा रहे हैं करें कि ना करें, आप अपनी एडवाइज रखिए। लेकिन हुआ क्या, जो फर्स्ट ड्यूमा बनी थी 75 दिन के अंदर ही बेचारे ने, राजा ने इसको कहा ये हमको कोई एडवाइज ही नहीं दे रहे ढंग का, इनको हटाओ यहाँ से। फिर कहा कि दूसरी बार इलेक्शन होगा, सेकेंड ड्यूमा आई, सेकेंड ड्यूमा में भी क्या हुआ, सेकेंड ड्यूमा में भी सेम चीज़ें हुई। सेकेंड ड्यूमा जो आई, सेकेंड ड्यूमा भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रही थी, 3 महीने काम के, 3 महीने के बाद ही काम के फिर इनको हटवा दिया गया। फिर चौथी तीसरी ड्यूमा आई। अब ये क्या होता था कि जो फर्स्ट एंड सेकेंड ड्यूमा आई ना, इसमें कौन कौन से जो एक्सट्रीमिस्ट थे, एक्सट्रीमिस्ट कह रहा हूँ वो जो लिबरल्स थे, और जो रिवोल्यूशनरी जो डिमांड कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा क्या हो, बहुत ज़्यादा चेंजेज होने चाहिए सोसाइटी में, ठीक है ना, रेडिकल्स थे और लिबरल्स थे, ये चाहते थे ना सोसाइटी में चेंज हो, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ड्यूमा में यही लोग आते थे, और ये राजा को जो थोड़े से क्रांतिकारी टाइप के सुझाव देते थे, राजा को पसंद ही नहीं आता था इसलिए इसने कर दिया। जो थर्ड ड्यूमा बना उसमें इसने क्या किया, जो कंजर्वेटिव टाइप के लोग थे ना, कि जो चाहते थे अरे राजा तो हमारे सर्वे सर्वा हैं, कुछ चाहिए ही नहीं हमको, कुछ चेंजेस चाहिए ही नहीं, तो वो उनको भी पसंद करते थे, तो जितने कंजर्वेटिव वाले थे उनको जो है थर्ड ड्यूमा में ला करके राजा
काम करते रहे। कब तक? यानी इस रिवोल्यूशन से हासिल यही हुआ कि कंसिस्टिव असेंबली बनी, उनका ड्यूमा बन गया, ठीक है ना। और राजा तब से काम करते गए कब तक? 1915 तक, नहीं 1917 तक, ठीक है, समझ गए। अभी जो रशियन एम्पायर है इसका एक और मैप आपको थोड़े से ध्यान से समझाता हूँ। ये पूरा का पूरा ये था रशियन एम्पायर, ठीक है, ये हो गया रशियन एम्पायर। तो इसको 3 पोर्शन में डिवाइड करिए। आज जिसको हम कंट्री रसिया बोलते हैं वो है साइबेरिया, ठीक है, और ये जो सेंट्रल एशिया में आज जो कंट्री डिवाइड हो गए हैं उनको बोलते हैं रशियन सेंट्रल एशिया। इसी में वो जैसे अजरबैजान है, आपको कजाकिस्तान मिलेगा, उज्बेकिस्तान मिलेगा, किर्गिस्तान मिलेगा, ये सारे रशियन एम्पायर के पार्ट थे। तो ये जो ब्लू पोर्शन देख रहे हैं ये रशियन एम्पायर के पार्ट हो गए, और ये जो रशिया देख रहे हैं ये पार्ट था किस में, ये इसको भी ले लीजिए आप, ये फिनलैंड को भी इसमें ले लेंगे। तो रशियन एम्पायर जो है इसको यूरोपियन रशिया बोलते हैं, यूरोपियन इसको रशिया बोलते हैं, क्योंकि रशिया का ये पार्ट यूरोप में पड़ता था। अब क्या हुआ कि 1905 का रिवोल्यूशन ख़त्म हो गया। अब बात आ गई 1914 तक की। तो 1914 में क्या हुआ कि वर्ल्ड वार छिड़ गया था। क्यों छिड़ा था ये नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का रशियन एम्पायर के साथ बहुत कुछ लेना देना था। वो इसलिए क्योंकि जब ये 1914 में स्टार्ट हुआ, तो मैंने फर्स्ट अभी इसके जस्ट पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये जो युद्ध हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो उसमें रसिया जो है उनकी तरफ से लड़ रहे थे, जैसे ब्रिटेन हो गया फ्रांस की तरफ से लड़ रही थी, ठीक है, ब्रिटेन फ्रांस की तरफ से लड़ रही थी। तो इनकी जो आर्मी थी ये इनको जो है जर्मन की सेना ने, हिटलर की सेना, हिटलर तो सेकेंड वर्ल्ड वार में थे, जो जर्मन की सेना थी इनसे हार रहे थे। जर्मन और ऑस्ट्रिया की सेना जो है इनसे इनको जो हरा रही थी। अब ये जब रशियन की आर्मी जो थी वो हारने लगी, तो रसिया के लोग क्या कहे कि राजा आप क्या काम करिए, युद्ध बंद करिए, बहुत ज़्यादा जो है हमारे सैनिक जो है मारे जा रहे हैं, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, आप उनको क्या करिए, बंद करिए युद्ध। इसके खिलाफ क्या हुआ कि जो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स होता है, यानी जर्मन के खिलाफ जो है एक गुस्सा, जैसे अगर क्या किया जाए कि किसी इंडियन से पाकिस्तान के बारे में बात किया जाए तो वो क्या होंगे, गुस्सा ही तो होंगे आपके अंदर, नेशनलिज्म की भावना, अरे पाकिस्तान की कैसे बड़ाई कर दी। सेम तरीके से वो तो कंडीशन था कि उनके अंदर भी एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स इकट्ठा हो गए। अब ये हुआ क्यों था कि 7 मिलियन, समझ रहे हैं, 7 मिलियन कम हो गए, 70 लाख लोग मारे गए थे, 70 लाख दोनों साइड को मिला करके। 3 मिलियन रिफ्यूजी हो गए थे रसिया में, वो इसलिए क्योंकि जब रसिया की सेना गई थी वेस्ट साइड में, जैसे कि ये ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी के जब बाउंड्री में एंटर करके वहाँ युद्ध लड़ रही थी, तो उन्होंने क्या प्लान करा कि जब हम अपने देश की तरफ रिटर्न होंगे तो बीच में पड़ने वाले जितने भी फसलें होंगी उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। इससे क्या होगा कि वहाँ पे जो सेना है, जो खाना उना खा रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा, जब सैनिक खाना ही नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे वैसे ही। तो ये जो रसिया की चाल थी उल्टे इन्हीं के ऊपर पड़ गई। और जब ये सेना रिटर्न होने लगी तो आसपास के इलाकों में जितने भी रहने वाले लोग थे, अब उनको उनके पास कुछ खाने के लिए बचा ही नहीं, दुकान जला दिए गए, फसलें बर्बाद कर दी गई, ब्रेड नहीं थे, पानी पीने के लिए दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। तो ये क्या हो गया कि अपने कंट्री को छोड़ छोड़ करके ये रिफ्यूजी के रूप में, शरणार्थी के रूप में रसिया की तरफ जाने लगे। तो ऐसा अनुमान है कि अराउंड 3 मिलियन यानी 30 लाख लोग जो है रिफ्यूजी के तौर पर रसिया में चले गए। अब ये रशियन जो जार थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर पड़ने लगा। उसके साथ में ही क्या हो गया कि लेबर शॉर्टेज, अब युद्ध हो रहा है तो युद्ध में क्या हुआ कि जितने भी यंग जनरेशन थी रसिया की उनको आर्मी में ज़बरदस्ती भर्ती करवा करके युद्ध पे भेजा जा रहा था। तो जो भी लेबर शॉर्ट है, जो इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे रेलवे लाइन बिछ रही हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन रोड्स बन रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी बन रही है, ब्रिज बन रहे हैं, तो वहाँ लेबर शॉर्टेज पड़ गया। तो बहुत सारे इंडस्ट्री क्या हो गए, सट हो गए, बंद हो गई। अब सोचिए जब इंडस्ट्री सट होगी तो उसमें काम करने वाले इंडस्ट्रियल वर्कर्स का क्या होगा, उनकी जॉब चली गई। एक तो पहले से ही सैलरी घटी थी, अब उनकी जॉब चली गई। अब जॉब जाने के बाद क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ने का अनएम्प्लॉयमेंट इतनी जनरेट हुई, साथ में शॉर्टेज है ग्रेन्स का, खाने के लिए कुछ नहीं बचा, हैं सर ब्रेड भी नहीं है, कुछ भी नहीं, क्या खाएंगे लोग। तो उन्होंने हंगामा करना जो है शुरू कर दिया। अब ये हंगामा शुरू हुआ कहाँ पे, पेट्रोगार्ड में। पेट्रोगार्ड वही सदा मैंने बताया ना कि रशियन एम्पायर का जो कैपिटल था वो कहाँ था, वो था सेंट पीटर्सबर्ग में। तो सेंट पीटर्सबर्ग जो वर्ड है ये लिया गया था जर्मनी से, तो जर्मन वर्ड था, तो इसको हटा करके लोगों ने ये बोला कि इसका अपना नाम चेंज करके पेट्रोगार्ड रखिए, तो पेट्रोगार्ड उसका नाम रख दिया गया। अब क्या हुआ, विंटर का महीना था 1917 में। अब 1917 क्यों, 14 में तो ये युद्ध स्टार्ट हुआ, 15 में किए, 16 में किए, 17 में लोगों को शांत शांत करते करते जो है बहुत सारी दिक्कत होने लगी। अब
चूँकि फूड शॉर्टेज भी वर्कर्स की जो शॉर्टेज होने लगी, तो उसके बाद में इन्होंने सोचा कि यही मौका है असली कि हम जो हंगामा शुरू करते हैं। तो विंटर का महीना था 1917 में, 22 फरवरी के दिन क्या हो गया कि अब सिंपल सी बात है, अब वर्कर्स नहीं मिलेंगे, इंडस्ट्री में कुछ हो नहीं रहा है, तो वहाँ क्या हुआ कि कुछ फैक्ट्रियाँ जो हैं वहाँ बंद होने लगी, फैक्ट्रियाँ जो हैं वहाँ बंद होने लगी। तो जो फैक्ट्री बंद हुई, तो क्या हुआ कि कुछ वर्कर्स ने क्या किया, उनका भी एक ग्रुप चलता था, तो वो क्या हुआ कि 50 और फैक्ट्रियों के जो वर्कर्स थे एक साथ ग्रुप में इकट्ठा हो गए। अब चूंकि फैक्ट्री बंद हो गई, ताला लगवा दिया वहाँ के राजा ने, तो राजा ने जब ताला लगवाया तो लोगों ने हंगामा कर, यार हमारी जॉब चली जाएगी हमारे, तो इन्होंने क्या किया 50 फैक्ट्री के वर्कर्स एक साथ मिल करके, और इन्होंने क्या कर दिया, हंगामा कर दिया, फिर विंटर पैलेस की तरफ ये दौड़ पड़े। और इन इस बार क्या हुआ कि वुमेन्स ने भी, जितनी महिलाएं थी उन्होंने भी जो स्ट्राइक हड़ताल रहा था उसका नेतृत्व किया था। इसी कारण से बाद में चल के इस डे को इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हुआ क्या, ये चीज़ें हो रही थी। नेक्स्ट स्टेप ये हो गया कि जैसे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट यानी वही राजा उनके ड्यूमा, इनको पता चला कि यार इतने सारे लोग आ रहे हैं हमारी तरफ हंगामा करने के लिए हमारे पैलेस में, तो उन्होंने क्या कर दिया, कर्फ्यू लगवा दिया। अब कर्फ्यू लगवाने का मतलब आर्मी के पास राइट है, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, गोली मरवा सकते हैं। तो जब जैसे ही कर्फ्यू लगा, तो जो क्वार्टर थे ना जिसमें लेबर्स को रखा जाता था, और जो फैशनेबल एरिया मतलब कि जो राजा के सगे संबंधी हैं वो एक साइड में रहते थे, जितने उनके कोर्ट थे या फिर फैक्ट्रियां थी, अधिकारियों के जो चैम्बर्स थे वो एक साइड में हुआ करते थे, और इंडस्ट्री और जितने वर्कर्स हैं वो दूसरे रोड के दूसरे साइड में हुआ करती थी। तो उस जो फैशन उसको फैशनेबल एरिया बोलते हैं, फैशनेबल एरिया और जो ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे, इस इन सारी बिल्डिंग्स को वर्कर्स ने क्या कर लिया, घेर लिया। अब ये मैप को ध्यान से देखिए, जो पिंक कलर देख रहे हैं ना, ये पिंक कलर वो कंट्रीज हैं जो एक साइड में लड़ रहे थे, मतलब पूरा यूरोप जो है दो भागों में बट गया था, दो ग्रुप में लड़ाई हो रही थी। एक तरफ थे जर्मनी, दूसरा ऑस्ट्रिया हंगरी, तीसरा बुल्गारिया, ये टर्की, ठीक है ना, ये कंट्री चूंकि सेंटर में, इसलिए इनको बोलते हैं सेंट्रल पावर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रल पावर, इनके बीच में। और ये जो येल्लो कलर देखें, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और रशिया, ये एक तरफ से लड़ रहे थे, और ये पुर्तगाल भी, तो पुर्तगाल भी ये जो कंट्री, और ये जो ब्लू कलर हैं, ब्लू कलर ये न्यूट्रल कंट्री है, इन्होंने युद्ध में कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया फर्स्ट वर्ल्ड वार में। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार का मतलब ये नहीं कि पूरा विश्व ही लड़ रहा था, ये नहीं, यूरोप के ही 10-12 देश अपने आप में लड़ रहे थे। अब चूंकि यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज थे, आपको पता होगा कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, एशिया कॉन्टिनेंट में 60 से ज़्यादा कंट्री को इन्होंने क्या बनाई थी, कॉलोनी बनाई थी। सेम था फ्रांस का, फ्रांस ने बहुत ज़्यादा कॉलोनी बनाई थी। और तो इनका कॉलोनाइजेशन वाला जो सिस्टम था पूरी दुनिया में फैला हुआ था, इसीलिए जो है अपने अपने इंटरेस्ट को लेके आपस में मिले कि समझौता किए कि यार ये युद्ध जीत जाएंगे, इतनी जमीन तुम ले लेना, इतना हम रख लेंगे, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तो सिंपल से ये लॉजिक है, इसके बारे में फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए इतना समझिए कि ये जो जर्मनी है और ये रसिया को देख रहे हैं ना, तो रसिया की सेना यहाँ एंटर करी थी, फिर इनको हरा के वहाँ वापस भेजा गया। तो ये कंट्री जो है पिंक कलर वाली एक साइड में थी, येल्लो कलर वाली दूसरी साइड में लड़ रही थी। अब क्या हुआ, यहाँ पे हम लोग आ गए थे, तो क्या हुआ 24 और 25 फरवरी को, इसी फरवरी के महीने में क्या हो गया कि गवर्नमेंट ने क्या कह दिया, जो कलवरी थी पुलिस थी उनको ये कह दिया कि जितने भी वर्कर्स स्ट्राइक कर उन पर नज़र रखो। अब 25 फरवरी को क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो ड्यूमा थी ना, जो एडवाइस देने का काम करते, उसको सस्पेंड कर दिया गवर्नमेंट ने, और जितने भी पॉलिटिशियंस थे उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, और पीपुल्स को ये कह दिया कि जो भी जो है हमारा जो ऑर्डर उसको मानने से इनकार कर दे तो उनको उठा के जेल में डालने का काम करो। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों का और गुस्सा बढ़ा, और 27 यानी 27 तारीख के क्या हुआ कि जो हेडक्वार्टर था पुलिस का, जो हेडक्वार्टर था वहाँ लोगों ने अटैक किया, वहाँ पे आग लगा दिए, डिस्ट्रॉय किया बहुत सारी चीज़ें, और जो कैलवरी थी यानी जो आर्मी का जो झुंड हुआ करता था, बटालियन हुआ करता था, इनको ये बोल दिया गया कि वॉज गॉन आउट अगेन। तो इसमें जो है कलवरी जो थी, इसमें जो जितने भी आर्मी थे, इसमें दो गुट इसमें भी बन गया था। एक गुट ने ये बोला कि जब राजा ने कहा कि सबके ऊपर क्या करो, गोलियां भून दो सबको, तो एक जो ग्रुप था कलवरी का, उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि जो भी डेमोन्स्ट्रेटर्स हैं यानी जो हड़ताल कर रहे हैं लोग, उन पर हम गोलियां बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। और उन्होंने क्या किया कि उनका जो सेना अध्यक्ष था ना, अपने ही ऑफिसर को जो आर्मी थे, उन्होंने क्या कर दिया, गोली से भून दिया। गोली से भूनने के बाद में वो क्या कर दिए कि जो लेबर्स लेबर्स थे या इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जो
दोनों लोग अटैक कर रहे थे मिलके, उनके साथ ये जो आर्मी का एक गुट आ करके मिल गया, और इन्होंने एक साथ मिल करके इन्होंने क्या कहा कि हम क्या करेंगे, अपना एक सोवियत बनाएंगे। सोवियत का मतलब होता है कम्युनिटी कमिटी। तो चूंकि पेट्रोगार्ड में एक कमेटी बनी, इसलिए इसको बोलते हैं पेट्रोगार्ड सोवियत। पेट्रोगार्ड सोवियत में कौन कौन था? ये इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, पीजेंट्स थे, और ये कौन, आर्मी के कुछ जो है सोल्जर्स थे इसमें। अभी जो डेमिकेशन में अगले ही दिन क्या हो गया कि ये इन्होंने मीटिंग करी कि अब जो देश है राजा से हमको मांग कर रही है कि वो क्या करें, अपना राजगद्दी छोड़ें और देश जो हमारे हाथों में दे, हम क्या करेंगे, एक इलेक्टेड मेंबर के थ्रू देश को चलाएंगे। तो अगले दिन यही बात करने के लिए जो जा रहे से मिलने के लिए कुछ डेलीगेशन गई, जो मिलिट्री कमांडर जो थे उनके, किसके, जार के मिलिट्री कमांडर एडवाइज़ किया कि अभी हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, आप राजगद्दी छोड़ दीजिए। तो राजगद्दी जो है छोड़ ही दिया उसने राजा ने 2 मार्च को। उसके बाद में एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाएगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसको बोलते हैं कि जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक जब जो लोग एक साथ मिल करके काम करते हैं गवर्नमेंट के रूप में, उनको प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोलते हैं या एंटरिम गवर्नमेंट बोलते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो बनी, अब ये गवर्नमेंट जो बनी इनको बोलते हैं सोमिय, इसमें थे सोवियत, जो अभी कमेटी बनी थी, आर्मी के कुछ लोग थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, और जो ड्यूमा के नेता थे, इनके साथ मिल करके इन्होंने क्या बनाया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाया। अब ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बने, इसमें इसमें ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट कुछ सालों तक काम हुआ। अब इन्होंने किया क्या, आखिर ये जब राजा ने राजगद्दी छोड़ दी तो 1917 के इस रिवोल्यूशन के बाद में इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो प्रभाव ये किया गया कि जितनी भी राजा ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे कि पब्लिक मीटिंग नहीं होगी, कोई भी एसोसिएशन नहीं बना सकता है, इसको हटा दिया गया। अब ये सोवियत, चूंकि रसिया बहुत बड़ा एम्पायर था, तो जो सोवियत ये बने थे कहाँ पे, पेट्रोगार्ड में बना था, सेंट पीटर्सबर्ग में हो गया था, अगल बगल वाले जो सिटीज़ थे वहाँ बने थे। अब ये हुआ कि जितने भी इसमें लीडर्स थे, इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, पूरे देश में अनाउंसमेंट हो गया, पूरे साम्राज्य में, कि हर जगह इसको बनाया जाए, तो वो बनाना स्टार्ट होने लगा। जो भी इंडिविजुअल एरियाज थे, फैक्ट्री कमेटी बनने लगी, वहाँ पे अगर कोई भी हड़ताल होता है, आपकी मालिक मांग नहीं करता, तो आप लोग उसको स्ट्राइक करके अपनी बात को मनवा सकते हैं। इसके लिए वहाँ पे फैक्ट्री की कमेटी बनने लगी, जिनको अधिकार दे दिया गया, कोई भी क्वेश्चन जो है उनसे पूछ सकते हैं, अपनी मांगे रख सकते हैं। सोल्जर्स को भी बोला गया कि आर्मी को भी अगर कोई तकलीफ होती है तो अपना एक क्या करें, वो सोवियत बना लें। सोवियत का मतलब कमेटी, सोवियत एक रशियन वर्ड है। तो सोल्जर्स भी अपनी कमेटी बनाने लगे। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी ये अपने क्या हो गई, पावर में जैसे ही आई तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बढ़ा ना 5-6 सालों में, तो इन्होंने ये देखा कि इनके पावर में क्या हो रहा है, डिक्लाइनिंग हो रहा है। डिक्लाइनिंग का मतलब कि उनके पावर में जो है कमी आ रही थी। वो क्यों? क्योंकि जो बोल्सेविक, आपको याद है ना, लेनिन, वही व्लादिमीर लेनिन, जिस जिन्होंने वो पार्टी बनाई थी 1989 में, वो जो है वापिस आ गए थे। क्यों? क्योंकि राजा ने क्या किया था, चूंकि लीगल पार्टी थी तो इनको देश से बाहर भेज दिया था। तो जब ये राजा ने राजगद्दी छोड़ दी और सारा कुछ ये नॉर्मलाइज कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्शंस हटा दिया गया, सेंसरशिप हटा दिया गया था, तो लेनिन जो है वापिस आ गए थे रसिया में, रसिया में रिटर्न आ गए थे। तो उन्होंने जो बोल्शेविक जो पार्टी थी इनकी, उसको क्या किया, और ऊंचाई पर ले जाने का प्रण लिया, और उसके उन्होंने क्या किया कि इसको, इसका जो प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये बोल्शेविक पार्टी क्यों बनती थी, ये बनी थी किसानों के लिए, किसानों को हेल्प करने के लिए। तो फार्मर्स को इन्होंने क्या किया कि गांव गांव जाकर के उनकी कम्युनिटी बनाई और उनको उकसाया कि जितने भी तुम्हारे नोबल्स हैं उनसे क्या करो, उनके खिलाफ़ बगावत करो, अपनी ज़मीन की मांग करो, हम तुम्हारा साथ देंगे। तो धीरे धीरे ये क्या कर रहे थे कि लोगों को अपने तरफ खींच रहे थे, और ध्यान जो है जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट काम कर रही थी उस पे से लोगों का ध्यान जो है हट करके बोल्शेविक पार्टी की तरफ जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा, जाने लगा। इसको लेके इनको एलर्जी थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को। इसीलिए क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे, जो फैक्ट्री चला रहे थे, और जो भी लीडर्स थे किस बोल्शेविक पार्टी के, उनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दे दिया किसने, इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। फिर से पीजेंट्स और जितने भी सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी लीडर्स थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा कि जितने भी हमारे पास लैंड है, जो चर्च के पास लैंड है, राजा के पास लैंड था, या बहुत बड़े बड़े लोगों के पास लैंड है, उस लैंड को लेकर के हमको क्या करना है, रिडिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी सबको जो इक्वल अमाउंट में जो है लैंड देना है। इसके लिए लैंड कमेटी बनवाई गई, और जो पीजेंट्स ने लैंड कमेटी बनाई गई, और जितने भी पीजेंट्स थे उनको अधिकार दे दिया गया कि जिसको जितनी ज़मीन चाहिए वो ले सकता है। तो पीजेंट्स ने जुलाई से सितंबर के 1917 के बीच में बहुत ज़्यादा ज़मीन को क्या कर लिया था, अपने अपने सेज कर लिया था। ओके, इसके आगे की कहानी नेक्स्ट लेक्चर में।